जो लाठियां थी ना पुलिस के पास वो थोड़ी ज्यादा सख्त होती थी, अब जो है वो इतनी सख्त नहीं है, वो भी एक बार अपना को खानी पड़ेगी, अगर तैयारी रखना आपको सबके सब लोग। हम संयुक्त मोर्चे के तहत हम अपने जनपद के किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ एकत्र हुए, उनका सम्मेलन कर रहे हैं। हमारे पुराने इलाके में जहाँ के हम रहने वाले वो बुजुर्ग लोग कहते थे कि जिन गाँवों में चकबंदी चलती है वहाँ चोरी करने और डकैती जाने वाले जो लोग हैं चोर उचक्के उठाएगी, वो भी कहते कि यहाँ पे चोरी मत करना, यहाँ पे चकबंदी रहती है। साथियों, एमएसपी की लड़ाई हमें लड़नी है और इसे लड़ने जीतने तक लड़ना। अब जितने भी आज यहाँ पर किसान बैठे हैं ये वो किसान है जो आंदोलन के शुरू में भी थे और आज भी हैं और आखिर तक भी रहेंगे। भाई तेजेंद्र सिंह गिल जी, एमएसपी और गन्ने की बात करते हैं लेकिन आपने कहा कि पहले फांसी का फंदा जो पड़ा है उससे बात होनी चाहिए, लेकिन अफसोस है कि पहले फौज ईमानदारों की होनी चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्षीय संबोधन के लिए हमारे बहुत ही अनुभवी साथी जगीर सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा, ये जो विषय भी आए हैं इन सब पर अपनी जो भी उनके मन में है जो भी विचार उनके हैं वो हम सबको संबोधित करेंगे, और ये जो 20 गांव का विषय है इस पर भी अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य जरूर देंगे। साथियों, सबसे पहले तो आपने मुझे बहुत मान दिया है आज की सभा की अध्यक्षता करने का, मैं इसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद। दूसरा, ये संयुक्त मोर्चे का जो संगठन बना है ये अपने उधम सिंह जिले का पैर करने का जो सेहरा है इनके पूरी फायदा है, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने इतनी हिम्मत से जितने किसान संगठन है उनको एक प्लेटफॉर्म पे एक मंच पे लाए हो, बहुत ही खुशी का मामला। दूसरा मामला, ये जो अपना संयुक्त मोर्चा है राष्ट्र का रूप ले चुका है, इसने आगे एक जमहूरी विकल्प खड़ा करना है। मामले एसएमएससी के समर्थन मूल्य के जो हमारे से धोखा हुआ है, आश्वासन दिया गया था वो आश्वासन कर्ज माफी का मामला हम तो सारा से ही जब पहले धन से उठा रहे हैं कि किसानों को जब मूल्य नहीं मिला तो उनका पैसा कैसे उतरना था, जितना लोन या बता नहीं सकते हैं उनको समर्थन मूल्य मिलाएंगे या 400-500 से कम हम बेच रहे हैं, वे एक अपना मामला है। जो मामला गंभीर अब आ गया है अधिकारों का मामला, आपके जीवन का मामला जमीनों पे दखल कर दिया गया, एक पाइप का मामला नहीं है, एक प्रदेश का मामला नहीं है, देश का मामला नहीं है, एक दुनिया का मामला भी नहीं है, एक नागरिक 70 साल से बता हुआ है, 70 साल से अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 7 साल है जो वह भी बैठा हुआ है, इसके पास कोई नित्य नहीं है, वो उसका मालिक है, उसको भी नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, एक प्रशासन क्या कर रहा है, एक डीएम डीएम को क्या कर होते हैं, उनको कोई जुडिशियल अधिकारी नहीं है, वो एक सरकार की कटौती है। अपने हमने आंदोलन लड़ा, ये आपके अधिकार छीनने का या आपको बदखल करने का, लोगों को जनता को यानी जो मुख्य वर्ग है हमारा किसान वर्ग उनको बदखल करने का, ये जो 3 कानून थे वही भी यही है, उसमें कोर्ट में जाने का अधिकार खत्म किया गया था। सबसे गंभीर मामला, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, एसटीएम ही सुनेगा, प्रगैर एसटीएम कैसा फैसला करेगा। तो सरकार जो प्रशासन हमारे कार्य छीना, हमारे जीवन का कार्य छीन गया, आपका कौन पाई करेंगे, उसको अधिकार उसको क्यों अपना सम्मान देंगे,
वो अगर ये मामला है इसको पूरा करना है, जानने वाली बात नहीं है। अभी आप लोग इसमें बैठे हो मध्य प्रदेश में मंदसौर में जो लोग बैठे सभा करते थे वो जारी के छह लोग पहले वो भी नहीं था, हम लोग सभा नहीं कर सकते। मुद्दे जो संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मुद्दे हैं MSP को लेकर के है, साथ ही संपूर्ण कर्जा मुक्ति को लेकर के, बाकी उत्तराखंड राज्य के जो मुद्दे हैं उन पर आज सम्मेलन में चर्चा हुई है। और इस सब में जो उत्तराखंड राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विषय आया है वो ऊधम सिंह नगर जिले की जो बाजपुर तहसील है उसकी 5838 एकड़ भूमि है 20 गांव की, जिसको सरकार जबरदस्ती जो है भूमिधरी अधिकार छीन रखे हैं 20 गांव के लोगों के, उसके विरोध में आंदोलन चलाने की आज यहाँ पर सम्मेलन में योजना बनी है। और ये तय किया गया है कि जब तक ये मुद्दा हल नहीं होता तब तक यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या सांसद महोदय या किसी का भी जो स्वागत समारोह होंगे उनका विरोध किया जाएगा और 1 अगस्त से इसके लिए आंदोलन भी शुरू किया जाएगा, ये आज तय किया गया।